जब कभी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है जैसी फिल्मों की बात की जाती है तो हमारी जुबान पे सबसे पहले नाम आता है बॉलीवुड की सबसे चुलबुली एक्ट्रेस काजोल का, जिन्होंने अपने दौर में बॉलीवुड इंडस्ट्री को ऐसी कई हिट फिल्में दी और अपनी एक अलग पहचान बनाई। हालांकि अब काजोल फिल्म इंडस्ट्री में कम ही दिखाई देती है, लेकिन आज भी लोग इनकी फिल्मों को देखना बहुत पसंद करते हैं। तो आप इनके बारे में सब कुछ जानते होंगे, लेकिन क्या आप इनकी खूबसूरत बेटी के बारे में जानते हैं कि वो कौन है, क्या करती है, कैसी दिखती हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको इस वीडियो में फेमस एक्ट्रेस काजोल की ब्यूटीफुल डॉटर के बारे में बताएंगे। तो बिना देर के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं काजोल की खूबसूरत बेटी के बारे में। 5 अगस्त साल 1974 को मुंबई में जन्मी अभिनेत्री काजोल उनमें से एक रही हैं जिन्हें फिल्में और एक्टिंग विरासत में मिली। सिर्फ माँ तनुजा और पिता शोमू मुखर्जी ही फिल्म जगत से नहीं जुड़े थे, बल्कि नाना कुमार सेन समर्थ कवि और फिल्म निर्देशक हुआ करते थे। वहीं काजोल की नानी शोभना समर्थ दिग्गज अभिनेत्री थी। तो यहीं से समझ जाइए कि काजोल की जड़ें इंडस्ट्री में कितनी गहरी हैं। लेकिन स्टार किड होने के बावजूद काजोल को इंडस्ट्री में बैक टू बैक सुपरहिट प्रोजेक्ट्स अपने टैलेंट की वजह से मिले। वहीं काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई जितना नाम और शोहरत काजोल ने हासिल किया। काजोल ने 17 साल की उम्र में साल 1992 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म बेखुदी में नवोदित कलाकार कमल सदाना और उनकी मां तनुजा के साथ अभिनय करियर की शुरुआत की। काजोल ने इस फिल्म में राधिका की भूमिका निभाई थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन काजोल को उनके किरदार के लिए खूब तारीफें मिली थी, जिसके बाद काजोल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। काजोल को जो फेम बेखुदी फिल्म से नहीं मिला, वो उन्हें साल 1993 में आई फिल्म बाजीगर से मिल गया। काजोल की फिल्म गुप्त साल 1997 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में काजोल का किरदार नेगेटिव था। काजोल कई बार इंटरव्यू में इस रोल को अपने फिल्मी करियर का सबसे मुश्किल किरदार कह चुकी हैं। इस किरदार के लिए काजोल को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। नेगेटिव रोल के लिए अवार्ड पाने वाली पहली महिला काजोल ही थी। साल 1998 में आई फिल्म दुश्मन में काजोल पहली बार दोहरी भूमिका निभाती नजर आई। दर्शकों ने फिल्म में निभाए गए उनके दोनों ही किरदारों को बेहद पसंद किया। साल 1998 में उनकी फिल्म प्यार तो होना ही था और कुछ कुछ होता है भी रिलीज हुई। ये वर्ष उनके लिए काफी खास था, क्योंकि उनके करियर में ऐसा पहली बार हो रहा था जब एक ही साल में वो 3 फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित हुई। साल 1999 में अजय देवगन से शादी के बाद काजोल ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया था। 2001 में कभी खुशी कभी गम फिल्म के बाद वो लगभग सिनेमा जगत से गायब हो गई। काजोल ने साल 2006 में आई फिल्म फना से एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी की। इसके बाद वो साल 2010 में शाहरुख के साथ माय नेम इज खान में नजर आई। शाहरुख और काजोल की जोड़ी वो जोड़ी है जिसने एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी है। करण अर्जुन, बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज खान और दिलवाले जैसी कई फिल्में हैं जो इस बात का जीता जागता सबूत है। हालांकि दिलवाले फ्लॉप हुई थी, लेकिन बिजनेस के मामले में दिलवाले ने शानदार बिजनेस किया। हिंदी फिल्मों के अलावा काजोल ने तमिल फिल्म में भी काम किया है। काजोल मिनसारा कानवू फिल्म में प्रभुदेवा और अरविंद स्वामी के साथ नजर आई थी। आखिर में बात करें काजोल की ब्यूटीफुल डॉटर के बारे में, तो आपको बता दें कि बेटी का नाम निशा देवगन है। काजोल और अजय की लाडली निशा देवगन 19 साल की है। निशा का जन्म 20 अप्रैल साल 2003 को मुंबई में हुआ था। निशा एक चर्चित स्टार किड है। अक्सर ऐसी चर्चा होती रहती है कि निशा माता पिता की राह पे चलते हुए फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाएंगी। हालांकि काजोल का कहना है कि उनकी बेटी का फिल्मी दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बता दें, निशा अक्सर सोशल मीडिया पे अपनी फोटोज और वीडियो शेयर करती हैं, जिन्हें देखकर लोग अक्सर कहते हैं कि निशा हूबहू अपनी माँ काजोल की तरह लगती हैं। हालांकि निशा देवगन अभी काफी छोटी हैं, लेकिन फैशन सेंस और स्टाइल के मामले में वो कई अभिनेत्रियों को बराबर की टक्कर देती हैं। तो ये थी हिंदी सिनेमा जगत की चुलबुली एक्ट्रेस काजोल की खूबसूरत बेटी। आपको क्या लगता है, काजोल और अजय देवगन की बेटी निशा देवगन बॉलीवुड में कदम रखेंगी या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।